नमस्कार, मैं अनिल ठाकर, CNW वेरावल। दोस्तों, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलने की जीत भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, है ना। आइए आज कुछ समझने का प्रयास करते हैं। वैसे तो LHB कोच में बहुत सारी विशेषताएं हैं, मगर आज हम बात करेंगे LHB कोच के ब्रेक पैनल के बारे में, और साथ में हम ये भी जानकारी हासिल करेंगे ब्रेक बाइडिंग क्या है और इन रूट गाड़ी में ब्रेक बाइडिंग होने पर क्या किया जाए। दोस्तों, ये LHB कोच का ब्रेक पैनल है। ये तीन कंपनी के आते हैं, नॉर्बिम्स, फैवली और एस्कोट। ये नॉर्बिम्स कंपनी का ब्रेक पैनल है। दोस्तों, इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले ये 125 लीटर का एयर टैंक ऑक्सिलरी रिजर्वायर, जो कि ब्रेक सिस्टम के लिए लगाया गया है, और ये 75 लीटर का ऑक्सिलरी रिजर्वायर, जिसे ऑटोमेटिक डोर क्लोजर और टॉयलेट सिस्टम के लिए लगाया गया। ये प्रेशर स्विच है, कंपोनेंट्स है WSP सिस्टम का। यहाँ पर ये आइसोलेटिंग कॉक टॉयलेट सिस्टम के लिए, ये FP का आइसोलेटिंग कॉक है। ऐसे ही यहाँ पर ये नंबर 1 बोगी का आइसोलेटिंग कॉक और नंबर 2 बोगी का आइसोलेटिंग कॉक है। इस आइसोलेटिंग कॉक को ओरिजेंटली करने से नंबर 1 बोगी आइसोलेट हो जाएगा, इसको ओरिजेंटली करने से नंबर 2 बोगी आइसोलेटिंग हो जाएगा। इसके साथ में यहाँ पर ये प्रेशर पॉइंट है, जिससे हम लोग सिंगल कार टेस्टिंग में इसका यूज़ करते हैं। जैसे ये CR टेस्टिंग पॉइंट, ये BC टेस्टिंग पॉइंट, ये BP टेस्टिंग पॉइंट और ये FP का टेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर ये DV है और इसका ये DV आइसोलेटिंग हैंडल है। ये क्विक रिलीज वाल, जिसे हम मैनुअली रिलीज़ करते हैं। यहाँ पर ये CR टैंक है, जो कि 6 लीटर कैपेसिटी है, और BP प्रेशर 5 kg CM² इसमें आता है। यहाँ पर 2 इंडिकेटर हैं, ये नंबर 1 बोगी का इंडिकेटर और ये नंबर 2 बोगी का इंडिकेटर। इसी प्रकार ये फैवली कंपनी का ब्रेक पैनल है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ये FP आइसोलेटिंग कॉक, ये टॉयलेट सिस्टम का आइसोलेटिंग कॉक है, ये नंबर 1 बोगी लेफ्ट हैंड साइड का आइसोलेटिंग कॉक, और यहाँ पर ये नंबर 2 बोगी आइसोलेटिंग कॉक दिया गया है। इसमें भी प्रेशर स्विच और ये टेस्ट पॉइंट है BP का, एयर स्ट्रेनर जिसे कहते हैं, ये रिले वाल्व, यहाँ पर ये DV, ये क्विक रिलीज वाल्व जिसे हम मैनुअली रिलीज़ करते हैं, और ये आइसोलेटिंग हैंडल है, जो कि DV को आइसोलेट किया जा सकता है। उसी प्रकार ये एस्कॉर्ट कंपनी का ब्रेक पैनल है, जिसमें भी 4 कोच दिए, आइसोलेटिंग कॉक दिया हुआ। फर्स्ट जो है FP आइसोलेटिंग कॉक, सेकंड टॉयलेट सिस्टम का, ये नंबर 1 बोगी, ये नंबर 2 बोगी के लिए है। उसी प्रकार ये टेस्टिंग पॉइंट, और यहाँ पर फिल्टर दिए हुए हैं। ये फिल्टर, एयर फिल्टर जो है FP के लिए, ये BP के लिए, जैसे ICF कोच में डर्ट कलेक्टर हुआ करते थे, ऐसी प्रकार इसमें एयर फिल्टर दिया हुआ है। यहाँ पर ये DV और CR टैंक और इंडिकेटर। आइए अब समझते हैं ब्रेक बाइडिंग क्या है। दोस्तों, जब चलती हुई गाड़ी में चालक के द्वारा ब्रेक न लगाने पर भी ब्रेक का लगना, उसे ब्रेक बाइडिंग कहते हैं। और साथ ही साथ ब्रेक रिलीज करने पर भी ब्रेक का रिलीज न होना, उसे भी ब्रेक बाइडिंग कहा जाता है। ब्रेक बाइडिंग पूरी गाड़ी में, या गाड़ी के किसी एक कोच में, या कोच के किसी एक बोगी में, या बोगी के किसी एक व्हील में भी हो सकता है। दोस्तों, ब्रेक बाइडिंग होने के बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि लोकोमोटिव बदलने के दौरान DV प्रेशर अंतराल के कारण, या DV खराब होने के कारण भी हो सकता है, या फिर ब्रेक सिलेंडर में कोई खराबी, जैसे कि ब्रेक पैलिपर पिन का जाम होना, या ब्रेक सिलेंडर बेलो का क्रैक होना। इसके अलावा डंप वाल्व खराब होने से भी हो सकता है, BP पाइप में लीकेज, या फ्लेक्सिबल पाइप टूटा हो, या एंगल कोक या एयर होस टूटा या खराब हो, उससे भी ब्रेक बाइडिंग हो सकता है, या फिर हैंड ब्रेक ऑन पोजीशन में होने से भी ब्रेक बाइडिंग हो सकता है। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं LHB कोच में ब्रेक बाइडिंग होने पर क्या करें। सबसे पहले तो रेक का मैन्युअली निरीक्षण करें, जिससे हमें ज्ञात हो कि ब्रेक बाइडिंग किस कोच में हुआ है।
जिस कोच में ब्रेक बाइटिंग हुआ है उस कोच के इंडिकेटर रेड होंगे और ब्रेक कैलिपर जाम होंगे। उस पर्टिकुलर कोच के आगे व पीछे वाले कोच के ब्रेक इंडिकेटर को चेक करें। दोस्तों अब फर्स्ट स्टेप में क्या करें, कोच के ब्रेक पैनल में डीवी के क्विक रिलीज वाल्व से मैन्युअली रिलीज करें और ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन होने के बाद ब्रेक कैलिपर को चेक करें। ब्रेक कैलिपर जो है जाम नहीं होना चाहिए और साथ में ये सुनिश्चित करें ब्रेक पैड और डिस्क ब्रेक के बीच में 1.5 mm का डिस्टेंस हो। यदि इंडिकेटर रेड हो और कोच रिलीज नहीं हुआ तब सेकंड स्टेप में बोगी के आइसोलेटिंग कोक को हॉरिजॉन्टली करें, जिससे दोनों बोगी आइसोलेट हो जाएगा और कोच रिलीज हो जाएगा। यदि फिर भी इंडिकेटर रेड हो और कोच रिलीज नहीं हुआ तब थर्ड स्टेप में बोगी के दोनों फ्लेक्सिबल पाइप को खोल दे, जिससे ब्रेक सिलेंडर की हवा एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी और कोच रिलीज हो जाएगा। यदि इंडिकेटर रेड हो और कोच रिलीज नहीं हुआ तब फोर्थ स्टेप में ब्रेक सिलेंडर हेक्सागोनल नट को क्लॉकवाइज घुमाए, जिससे ब्रेक सिलेंडर रिलीज होगा और इससे भी अगर नहीं हो पा रहा तो ब्रेक पैड को क्रस करें, जिससे गाड़ी रिलीज हो जाएगा। उसके बाद गाड़ी को नेक्स्ट CNW पॉइंट या डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए कुछ सेफ्टी स्टेप है। डीवी के आइसोलेटिंग हैंडल को हॉरिजॉन्टली करके तार से बांधे। FP के आइसोलेटिंग कोक को बंद करें। 125 लीटर एयर टैंक को ड्रेन कोक से ड्रेन करें। क्विक रिलीज वाल्व को मैन्युअली रिलीज करके CR टैंक के प्रेशर को खाली करें और गाड़ी को नेक्स्ट CNW पॉइंट या डेस्टिनेशन तक चलाएं। दोस्तों वैसे तो ब्रेक बाइटिंग से काफ़ी नुकसान होता है, जैसे कि गाड़ी में समय पालन की हानि होना, रेल के पटरियों का क्षतिग्रस्त होना और कोच के पहियों का क्षतिग्रस्त होना। इसके अलावा ब्रेक गियर पुर्जों का खराब होना और कोच डिटैचमेंट होने के कारण यात्रियों को असुविधा होना। इसलिए आइए हम सब साथ मिलकर प्रयास करते हैं कि गाड़ी में ब्रेक बाइटिंग ना हो। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे CWS श्री अक्षय देसाई सर का और सभी पर्यवेक्षक महोदय का, तो लगातार हमें हमारे ट्रेडवर्क के प्रति मोटिवेट करते रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।